और बड़ी खबर रांची से इस वक्त आ रही है। पुलिस और टीपीसी के बीच मुठभेड़ हुई है। बुड़मू और ठाकुर गांव सीमा के लुकैया गढ़ा में ये मुठभेड़ चल रहा है। एक उग्रवादी को गोली देने की भी सूचना है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई है। उग्रवादियों ने एसएलआर से फायरिंग की है सुरक्षा बलों पर। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भागे। अपनी एक राइफल और 21 जिंदा कारतूस 23 खोखा एक पिट्ठू छोड़कर फरार हुए हैं नक्सली। कई दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए गए। 5 की संख्या में ये उग्रवादी थे। उग्रवादी जंगल में शराब का सेवन कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के पहुंचे पर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी जंगल में। इसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर, बुड़मू के पास में ये मुठभेड़ हुई है और ये बड़ी घटना अपने आप में। और सुरक्षा बल के जवान मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। टीपीसी के उग्रवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। इसके बाद से लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बुड़मू ठाकुर गांव सीमा के लुकैया गढ़ा में ये मुठभेड़ हुई है। और इमरान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, ये तो बहुत ही नजदीकी मामला हो गया कि राजधानी कितने करीब तक ये उग्रवादी पहुंच जा रहे हैं? देखिए पंकज, रांची के बुड़मू और ठाकुर गांव सीमा अंतर्गत लुकैया गढ़ा गांव है जहां पर कुछ उग्रवादियों के होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया जिसमें झारखंड जगुआर और जिला बल के जवान जो है वो तैनात ऑपरेशन में लगाए गए थे, जिसमें खिलारी डीएसपी, बुड़मू थानेदार, खिलारी से कुछ ऑफिसर और फिर ठाकुर गांव के थानेदार सहित कई पुलिस बल जो है वो ऑपरेशन के लिए जैसे ही जंगल की ओर बढ़े, जंगल में मौजूद जो टीपीसी के 5 उग्रवादी थे जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है, उन्होंने पुलिस पर एसएलआर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिसिया भी जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें जो जगह पर लुकैया गढ़ा जंगल पर जो साजो सामान के साथ उग्रवादी बैठे हुए थे वो वहां से भागने में उनको लेकर के सफल रहे। हालांकि इस दौरान एक पिट्ठू बैग पुलिस के हाथ लग गया जिसमें तकरीबन 21 जिंदा राउंड गोली जो कि अलग अलग राइफल और हथियार के थे, 23 जिंदा कारतूस जो कि जो खोखे के रूप में बरामद किए गए हैं। तो ये सारी चीजें बरामद किए गए, कई नशे के सामान बरामद किए गए हैं, अन्य साजो सामान बरामद किए गए हैं जो कि उग्रवादी तहरीक उपयोग में लाते हैं। लेकिन जिस जगह पर ये पूरी एनकाउंटर की घटना हुई है, इस जगह पर अक्सर टीपीसी के उग्रवादी जो है वो जमावड़ा लगाते हैं और इसकी सूचना लगातार रांची पुलिस को मिल रही थी। और इसी सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक जो रांची है उसके नेतृत्व में जानकारी दी गई। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों को ना सिर्फ खदेड़ा बल्कि एक उग्रवादी को गोली लगने की सूचना आदि हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जंगल की ओर सभी उग्रवादी जो है वो भागने में सफल रहे थे। क्योंकि घना जंगली इलाका है और बिल्कुल इंटीरियर इलाका है, ऐसे में इस इलाके से उनको भागने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लगातार ऑपरेशन चला रही है, जंगली इलाके में ऑपरेशन चला करके खदेड़ने का भी काम किया गया है, खोजी जा रही है, लेकिन अब तक उग्रवादियों के भागने की दिशा पर सफलता नहीं मिली है। लेकिन हाँ, साजो सामान, हथियार, गोली सहित और कई सामान जो है वह बरामद किए गए हैं जिनको पुलिस ने जब्त कर रखा है। पे कौन कौन से लोग वहां पे मौजूद थे, टीपीसी के किस रैंक के अधिकारी जो उग्रवादी है वो यहाँ पे मौजूद थे, इनकी जांच अब पुलिस करेगी। क्योंकि जिस जगह से इमरान, लेकिन राजधानी के इतने करीब तक अगर उग्रवादियों का आना जाना है तो ऐसे में पुलिस को अपना मूवमेंट बढ़ाना पड़ेगा सुरक्षा बलों को? बिल्कुल, ठाकुर गांव और बुड़मू का इलाका काफी सेंसिटिव माना जाता है, उग्रवाद प्रभावित इलाकों में से एक माना जाता है। इस जगह पर टीपीसी और पीएलएफआई जैसे संगठन जो है वो अक्सर इस इलाके में कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। चाहे बड़े टीपीसी के उग्रवादी खलील हुआ करते थे, उनकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने इसी इलाके से की थी जो कि काफी सक्रिय उग्रवादी के रूप में जाने जाते थे। इसके साथ कई बड़े पीएलएफआई के उग्रवादी को इसी इलाके में देखा गया है। इस इलाके में टीपीसी और पीएलएफआई की मुठभेड़ की भी खबरें भी काफी हुई है। तो एक बड़ी सफलता कहेंगे पुलिस के लिए, रांची पुलिस के लिए, कि एक सक्रिय उग्रवादी जो कि लगातार इलाके में सक्रिय थे और अपना जमावड़ा हथियार के साथ रखे हुए थे और उस दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मौजूदगी और उग्रवादी को इलाके से खदेड़ना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। हथियार बरामद किए जाना, गोली, जिंदा कारतूस बरामद किया जाना, हाँ, चुनौती इस बात की है कि उग्रवादियों के पास एसएलआर हथियार होने की जानकारी मिली है जिनसे फायरिंग उग्रवादी कर रहे थे। तो एक बड़ी चुनौती है कि एक अत्याधुनिक हथियार से पुलिस को टारगेट कर रहे थे। पुलिस ने बाखूबी अपने ऑपरेशन को चलाया, पूरी सूझबूझ के साथ ना सिर्फ नक्सलियों को खदेड़ा बल्कि एक नक्सली जो थे उग्रवादी जो है उनको गोली लगने की
की सूचना भी सामने आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी देंगे किस तरीके से फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक उग्रवादी को गोली लगने की भी खबर है फिलहाल, और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है पुलिस का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।